तो वजीर होना वजीर आला होना वजीर आजम होना और ये क्या वजीर आला है जी मनी लॉन्ड्रिंग उस पर साबित है तकरीबन अब तो सिर्फ अदालत को फैसला ही देना अदालत कहते दे कि नहीं किया है तो दूसरी बात है और वजीर आजम जो है मनी लॉन्ड्रिंग का मुरतकब है और जरदारी केस मैं उन अफसरों से मिला हूं कल भी आपको बताया था जिन्होंने वो केस बनाया है वो कहते हैं क्लोज एंड शट केस है तीन दिन में अदालत सजा दे सकती है अगर देना चाहे अदालत का अपना तरीकार और मिजाज होता है और तीन साल में दो साल में चार चार साल गुजर जाते हैं फर्द जुर्मी आयत नहीं होती ये कैसे सामने ये क्यों कैसे होता है इसका मतलब है कि कुछ लोग बचाने पे मुजरमों को तले हुए हैं और इमरान खान बिल्कुल ठीक कहता है कि लोगों को करप्शन से नफरत ही नहीं है ठीक है हारून साहब इमरान खान साहब की कामयाबी हो या फिर उनकी नाकामी हो इस बात का इसार किस चीज के ऊपर है नाकामी का कोई सवाल पैदा नहीं होता जितना आदमी का फहम और इल्म होता है अपने तसुबात से बचना चाहिए और ठंडे दिल से तजिया करना चाहिए ये पठान सियासत में करने के आया है ये मुल्क को सुधारने के लिए नहीं आया है तो उसके, उसके हामियों को बड़ी गलत फहमी है उसके फिदाइन को वो ठीक है मीशत को पाँच छः फीसद पर ले गया ये इसलिए आया है कि ये जो फितनागर हैं सियासत में नाम लेने की ज़रूरत नहीं है जिन्होंने इस मुल्क को नोच नोच के खाया है जिन पे 2600 अरब रुपए सालाना ख़र्च होते हैं शराफिया पे ये ब्यूरोसी ये सियासतदान और ये जनाब बहुत सारे और भी लोग शामिल हैं जिनका नाम लेने की इजाज़त ही नहीं है ये इनका बंदोबस्त करे ख़ास तौर पे इन तीन चार फितनागर सियासतदानों का और यही उसका मिजाज है इसीलिए अल्लाह ने उसको पैदा किया वरना वो पंद्रह बीस शौकत खाना हॉस्पिटल बना देता नॉलेज सिटी बना देता बहुत सारे शहरों में ऐसे स्कूल और कॉलेज बना देता उसके अंदर एनर्जी तो बहुत है बना देता जिसमें लाखों बच्चे पढ़ रहे होते और वो मतलब ये है कि गरीबों के बच्चे मुफ्त पढ़ते और जो फीस दे सकते हैं वो फीस देते एक निमल कॉलेज नहीं एक सौ कॉलेज तो वो बना सकता था तो सियासत में अल्लाह ताला ने उसको भेजा किस लिए है ये तो खुदा के फैसले हैं सही ठीक है हाँ। अब लॉन्ग मार्च के हवाले से अरुण साहब एक इसार इस पर है कि इमरान खान के हामी हामियों के दिलों में की कैफियत क्या हम दिलों में नहीं झांक सकते वो बुजदली का मुजाहरा करते हैं बहादरी का मुजाहरा करते हैं कितनी बहादरी का मुजाहरा करते हैं वो उतने ही मोटिवेटेड हैं जितना उनका लीडर है इशारे तो ऐसे मिलते हैं कि बहुत मोटिवेटेड हैं लोग एक्स सर्विसमैन एक सर्विस जो असल सवाल दो आपने आप पूछा बात यह है कि जनरल अली कुली खान जैसा आदमी और कितने मेजर जनरल और कितने बेशुमार ब्रिगेडियर और कितने बेशुमार कर्नल और कितने बेशुमार मेजर और कितने ला तदाद सिपाही सबके दोष जो हैं तादाद कितनी है बेटा बताइए मुझे अंदाज़ा अंदाजा, अंदाजा, अंदाजा यह है तीस लाख ये अंदाज़ा है ये तीस लाख का अंदाजा है लाख हो सकते हैं, पैंतीस भी भी हैं। हाँ। हैं। तो उनके खानदान भी है ना डेफिनेटली फौजी जो होता है उसके बच्चे फौजी ही होते हैं जे कोको हो जे कोको -को, को -को दे बच्चे मतलब माँ बाप पेरेंटल इन्फ्लुएंस एक बड़ी जबरदस्त चीज है घर में अच्छा दूसरी बात यह है कि फौज में भी अंदाज़ फिक्र वही होता है जो सबका दोष फौजी में होता है ये यूँ कहते जो फौज में होता है वही सबका दोष फौजी में होता है कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता ये जो दो साल का काकुल में गुजारते हैं इसमें सब कुछ उसके जहन से निकाल लेते हैं वो और एक नया आदमी बनता है बाद एबार से बाज़ एतबार से तो वो हमारे जैसा एक आदमी होता है वो एक लड़का दो भाई है एक पुलिस में जाता है एक फौज में जाता है वो फौज वाला मुख्तल क्यों होता है वो सिर्फ वो दो साल नहीं अगले दस साल या पंद्रह साल या बीस साल या तीस साल जितना वो अरसा फौज में रहता है वो एक खास माहौल में रहता है वो एक खास तरह के तर्ज जिंदगी अडोप्ट करता है तो ये इनमें कोई ये आप ये एक गन्ने के काश्तकार एक ये फौजी और उसके अलावा ये तो लाखों इमरान इमरान खान के जो वोट हैं वो जब भी इस्तेमाल हों वो आज इस्तेमाल हो और मैं तो समझता हूँ खान साहब को ताजील नहीं करनी चाहिए ट्वेंटी ट्वेंटी का मैच नहीं है ये वनडे भी नहीं है टेस्ट भी नहीं है ये लंबा मैच है ये सीरीज ऑफ मैच है दस महीने के बाद इलेक्शन हो जिन लोगों का ख्याल है ना कि बारह चौदह महीने में सूरत हाल को फर्ज कीजिए ये हुकूमत रहती है चौदह महीने अच्छा तो इलेक्शन होंगे फिर क्या होगा वो उस वक्त तक तो इंतजार कर करके लोग उकता चुके होंगे और ज्यादा शिद्दत से निकलेंगे इमरान खान हारता नहीं है सिर्फ एक तरीका है और वो इस पर किसी का इख्तियार नहीं है अमरीका उसको कत्ल करा दे वो तो थे उसके ऊपर कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है मगर उसके बावजूद लेकिन साहब ये तासुर क्यों दिया जा रहा है अगर निगरान गवर्नमेंट आ जाती है तो खान साहब का ये जो मोमेंटम है ये पूरा टूट जाएगा बल्कि आप कह सकते हैं खत्म हो जाएगा लोगों में जज्बा खत्म हो जाएगा धीमे पड़ जाएंगे माजी करीब की तारीख में इसकी बड़ी जबरदस्त मिसाल मौजूद है दो साल तक वकील जो है उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की वो वकील ने कभी पैसे छोड़े हैं वो वकील का मुंशी नहीं छोड़ता ये इस्लामाबाद का एक मशहूर वकील है तो उसने मुझे कहा कि मैं तो आपसे फीस नहीं ले सकता हुँ। है हुँ। तो जब मैं जाने लगा तो मुंशी ने कहा पचास हजार रुपए मुझे तो दे दें पचास हजार रुपए एक दरखास्त लिखनी थी दरखास्त मुकदमा तो जब शुरू होता तो वकील की फीस शुरू होती मुंशी ने क्या करना था दरखास्त टाइप करने थी पचास हजार और दिए उसको दिए पचास हजार रुपए दरख्वास्त टाइप करने के दो साल तक वकीलों ने प्रैक्टिस नहीं की सही और हमारे अखबार ज्यादा जो, जो हम बाखबर हैं बहुत जहीन है मुतर्रक हैं मैं तो कमरे से निकलता ही नहीं हूं एक जमाना गुजरा मैं तो जब काम करने के लिए दफ्तर आता हूँ बस उस वक्त निकलता हूँ या बहुत ज़रूरी कोई मीटिंग हो तो उसके लिए कहीं की मुलाकात होते जाता हूँ तो वो कह रहे थे तहरीक ख़त्म हो गई हमारी मोहतरमा नसीम ज़रा नहात यानी पोलिटिकल साइंस के उस्ताद हैं यूनिवर्सिटी की किताब लिखी है ऐसी ज़बरदस्त और जो आर्टिकल्स उन्होंने लिखी हैं एक ज़माने में वो मतलब हम आश करते थे वो कहते हारून भाई तो ख़त्म हो गया और मैंने कहा ख़त्म नहीं हुआ आग भी कभी बुझी है ये वो आग जो आग जो है एक जंगल में लग जाती है तो उसकी चिंगारियां बाकी रहती है कोयले के एक ढेर में अगर आग है तो ये एक चिंगारी चाहिए होती है ना ये आग बुझने वाली नहीं है ये इतना बड़ा ख़्वाब है कि जब ये आदमी देख लेता है तो ये ख़्वाब उससे कभी जुदा नहीं होता यह है मुकम्मल आज़ादी का ख़्वाब चीनियों ने एक पूरी सदी गुजारी जापानी चढ़ दौड़े बरतानवी चढ़ दौड़ रहे अफियन पे उन्हें लगा दिया उसे वो कहते हैं सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलेशन तोहिन की सदी हम तोहीन के पचहत्तर बरस गुजार चुके हैं दिस इज इट एनफ एक दिन मैं आपको अपनी जहनी कैफियत बताता हूं मैं बिल्कुल इसके लिए मेंटली तैयार हूं मतलब ये नहीं कि मैं उसको इनवाइट कर रहा हूं मेंटली तैयार हूं मुझे पकड़ लें जेल में ले जाएं मुझे गोली मार दें मेरे ऊपर ट्रक चढ़ा दें मैं अपने मौकफ से किसी हाल में दस्तबरदार होने के लिए मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं किसी को मुगालता ना हो पाकिस्तान मेरे पाकिस्टान। जैसे लोग मैं मेरी इज्जत नफ्स कुचली गई है मुझे कांस्टेबल और पटवारी से जलील कराया गया है पचहत्तर बरस तक मैंने अपने वालद ग्रामी को देखा है कि उन्हें कितना सदमा पहुंचता था जब उन्हें पटवारी से वास्ता पड़ता था और वो किस कदर परेशान होते थे अगर ये तस्वर भी पैदा हो जाए कि उन्हें एक पुलिस रपट लिखवाने के लिए मतलब कोई मजारा जो है हमारा वो बड़ी वसीवरी जमीन थी मतलब ठेके पर ली हुई थी कि वो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज कराने के लिए थाने जाते थे तो उन्हें इतना उनकी तबीयत पे बोझ होता था कि जैसे कोई मरीज जो है उसकी उंगली काटी जा रही हो तो उसकी तबीयत पर बोझ हो हमने अजिये हम में से हर शख्स ने तोहन सही है इस अशराफिया के इस पटवारी इस कांस्टेबल इस डेप्टी कमिश्नर इस एस एस पी, इस इस सियासतदान ये मैं इसको अल्फाज में बयान कर सकता हूँ मुझसे बेहतर बयान कर सकते हैं और बहुत से लोग शायद बयान नहीं कर सकते आप इमरान खान साहब के साथ नहीं मगर क्या आप उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं ये बात कर रहे मैं अल्फाज को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं इमरान खान फिर हुकूमत में आएगा अगर मैं जिंदा रहा फिर वो मेरे साथ यही सलूक करेगा जो तीन बरस उसने किया और मैं भी उसके साथ वही सलूक करूंगा मैं इशू टू तो इशू ओपिनियन दूंगा मैं हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं हूँ कभी भी ना उसका गाना गाऊंगा ना उसके लिए ढोल बजाऊंगा ये बात तो सही है अरुण साहब जब सिस्टम में तब्दीली आ रही हो मुशरे को तब्दील किया जा रहा है हर शख्स को कुर्बानी देनी पड़ती है मगर शहरों के अंदर जब अशियानोश नहीं आएंगी दवाएं नहीं आएंगी बच्चों के लिए दूध नहीं आ सकेगा घरों में मुश्किल हो जाएंगी तो इसका जिम्मेदार कौन है सिस्टम को ठीक करने के लिए क्या बच्चों को कुर्बानी देना पड़ेगी सिस्टम के लिए क्या करना सनी कुर्बानियों के बगैर कोई कौम कभी कौम नहीं बनती है अगर पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है एक बाल कहता है अगर उस्मानियों पे कोहे गम टूटा तो क्या गम है कि हजार अंजुम से होती है सैर पैदा बात यह है यही तुर्की था ना जो मर्द बीमार था यही तुर्की था ना जिसमें अजान देने पर पाबंदी थी यही तुर्की था ना जिसमें कुरान मजीद की तालीम नहीं दी जा सकती यही तुर्की था ना बीस पंद्रह बीस बरस पहले जिसमें की औरत अपना सर नहीं ढांप सकती थी यही तुर्की था ना आज वो तुर्की जो है वो कहता है फिनलैंड और डेनमार्क या नॉर्वे ये नहीं नीटो में शामिल हो सकते वीटो का वीटो लेके खड़ा हुआ ले है डंडा लेके ठीक है मुश्किल भी हैं इसके बावजूद आज तुर्क कौम की क्या हैसियत है था? और आप अंदाजा नहीं कर सकते कि अगर जरा भी उन्हें बेहतर हालात मिल गए तो 20 बरस के बाद वो सुपर पावर के, की सफ में शामिल होंगे एक आखिरी सवाल और एक आखिरी मिनट मेरे पास है क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान की सियासत तीस साल पहले जहां से निकली वहीं से वापस हो रही है उसी सतह पर वो तो देखिए ना तेरिक खिलाफत में कायद आजम ने एक बात कही थी जो सो फीसद हुई बाद और मौके पे भी कही हुँ, थी हुँ। तारीख का पहिया उल्टा नहीं घूमता अयुब खान इंतकाल करके वो सियासत में थे ही नहीं वो तो रिटायर हो गए तो बीमार रहते थे और खामोश रहते थे जुल्फकारो ने रेडियो और टेलीविजन से उनकी वफात की खबर नशर नहीं होने दी थी और अखबार को बता दिया गया था कि अंदर के सफर पर खबर छप सकती है ठीक है नवाज शरीफ के दौरे तक टीवी पे किसी अपोजिशन लीडर का नाम नहीं लिया जा सकता था फिर यह कैसे हुआ कि फौजी आया और इतने प्राइवेट चैनल बन गए ये सोशल मीडिया ये प्राइवेट चैनल ये अखबार नमीज या आजादी का एहसास ये जब एहसास एक दफा जन्म ले चुका है तो ये कभी खत्म नहीं होता बहुत